अब हम इस सबक में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या कुव्वत नुमा के कवानीन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या होता है और लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ये लॉज क्या हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मसलन सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि दो ऐसे नंबर्स हों जो पावर्स हों एक्सपोनेंट की शक्ल में हों, उनको अगर आप ज़रब दें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। यहाँ उन्होंने मिसाल दी है कि 5 to the power 3 और 5 to the power 4, यानी इसके जो बेस है वो एक ही है, इसकी जो असास है वो 5 या 5 है और उसके ऊपर फिर हमारे पास power 3 या 4 है। 3 एक दफ़ा है, दूसरी दफ़ा 4 है। तो अगर आप याद करें तो 5 to the power 3 का मतलब ये है कि 5 को 3 दफ़ा अपने आप से ज़रब दिया जाए, और 5 to the power 4 का मतलब ये है कि 5 को आपस में 4 दफ़ा ज़रब दिया जाए। और इन दोनों ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ भी ज़रब है। तो मैं इस पूरे सिलसिले को ऐसे लिख सकता हूँ, और जब मैं ऐसे लिखूँगा तो दोबारा मैं इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखने के लिए देखूँगा कि कितनी दफ़ा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये है 7 दफ़ा, तो ये आ गया 5 to the power 7। और ये वही चीज़ है जो कि आती 3 + 4 से। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मैंने 5 to the power 3 को ज़रब दिया 5 to the power 4 से, तो जवाब आया 5 to the power 3 + 4। इसी तरीके से उन्होंने एक दूसरी मिसाल भी दी है। मैं ये चाहूँगा कि आप एक कागज़ निकाल के और ख़ुद ही इस पे बहुत सारे तरीक़ों से इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि दो अगर नंबर्स हों जिनका बेस एक ही हो और एक्सपोनेंट की शक्ल में हों तो उनको ज़रब देने से क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये बात समझ में आई कि -3 to the power 5 है और -3 to the power 4 है, तो -3 अंदर ही रह गया और ऊपर जो है वो 5 + 4 हो गया। और इसी तरीके से तो ये हमने देखा प्लस में ये होता है, माइनस में भी यही चीज़ है। अगर हमें बटा की शक्ल में या रेशो में लिखी हुई है कोई चीज़, तभी भी ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि पावर ऐड होती हैं। और अगर जो है स्क्वायर रूट की शक्ल में है तभी भी ऐसा ही होता है। तो इससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि अगर हम a to the m को ज़रब दें a to the n से, तो हमारे पास जवाब आएगा a to the power m + n। तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी आइंदा इस तरह के सवालात करने में, जब कभी दो नंबर्स आपस में आप उनको मल्टीप्लाई करें और उनकी बेस एक ही हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। हालांकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर जो है वो प्लस होगी। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ये 2 से ज़्यादा दफ़ा भी ये काम हो रहा हो, बहुत सारे हों नंबर, ये 3 दफ़ा हैं, ए की पावर एम है, फिर ए की पावर एन है, फिर ए की पावर पी है, तो जवाब आएगा इन सब का प्लस, यानी m + n + p। यहाँ उन्होंने हमें एक मिसाल से ये बात समझाई है और कहा है कि सिंप्लीफाई, और इसमें ए और बी जो है वो मिले हुए हैं। लेकिन इस तरह के मिले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ए की चीज़ों को साथ रख सकते हैं और बी की चीज़ों को साथ रख सकते हैं। और यही यहाँ पर उन्होंने यही काम किया है कि ए की सारी चीज़ों को साथ रखा, बी की सारी चीज़ों को साथ रखा और सी की सारी चीज़ों को साथ रखा। और फिर उसके बाद हमें मालूम है कि जब बेस एक जैसी होती है इन दोनों की, तो उसमें पावर ऐड होते हैं। तो ये 5 + 13 ए की बेस के साथ, इसी तरह बी की बेस के साथ, इसी तरह सी की बेस के साथ। वाज़ रहे कि अगर बेस एक जैसी नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, लेकिन जहाँ बेस एक जैसी है या असास एक जैसा है नंबर, तो हम ऊपर पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करने से ये जवाब आपके पास आएगा।
आइए अब देखते हैं कि लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट या हासिले ज़रब के कुव्वत नुमा का कानून। यानी बात ये हो रही है कि अगर दो नंबर आपस में ज़रब दिए जाएं और फिर उनकी एक पावर हो तो क्या होगा। और इन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है इसको कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास है ए टाइम्स बी, ए को बी से ज़रब दिया है और ऊपर पावर जो है वो है 5। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी चीज़ है अंदर, हालांकि वो ज़रब की शक्ल में है लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो एक चीज़ है, तो उस चीज़ को मुझे 5 दफ़ा अपने आप से ज़रब देना है। तो मैं ए टाइम्स बी, 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 मैंने 5 दफ़ा ये लिखा। और फिर जब मैंने खोला तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि ए की चीज़ों को 7 लिखूँ और बी की चीज़ों को 7 लिखूँ, और जब मैं 7 लिखूँ तो फिर मैं उनको एक्सपोनेंट की शक्ल में दिखा सकता हूँ। इसमें नंबर ए की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये 5 दफ़ा है, तो ये है आ गया ए टू द पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय बी टू द पावर 5। तो इससे इन्होंने ये नतीजा अखज किया कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी हम एक पावर दें तो वो वही चीज़ है कि अगर हम हर मल्टीप्लाई होने वाले नंबर की वही पावर दें और फिर हम बाद में मल्टीप्लाई करें इन दो नंबर्स को। और इसी तरीके से 3 नंबरों के साथ भी ये काम किया जा सकता है कि ए बी सी टू द पावर एन, इसका मतलब है ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन और सी टू द पावर एन को आपस में ज़रब देना है। इस वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या कुव्वत नुमा के कवानीन के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।